निश्चय हो तो मंजिल को हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता है। और डोमिसाइल लॉ को जिस तरीके से अमेंड किया गया है, मैं तमाम रियासत के नौजवानों को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये तमाम नौजवानों की जीत है। और मीडिया कर्मियों को मैं मुबारक खास तौर पर देना चाहता हूँ जिन्होंने इस महामारी के माहौल में भी इस आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाया, यहाँ के हुक्मरानों तक पहुँचाया। और सोशल मीडिया के ऊपर जो हमें समर्थन नौजवानों ने दिया, जब पहले दिन हमने धरना किया तो 4 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन का सहयोग दिया। मैं उन नौजवानों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब आने वाले वक्त में पैंथर्स पार्टी SRO 202 का मुद्दा उठाएगी, 4G कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने की बात करेगी, क्योंकि ये मुद्दे भी जो हैं ये नौजवानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। SRO 202 एक ऑब्नॉक्शियस प्रोविजन है, नौजवानों के साथ एक बहुत ही बड़ा इनजस्टिस है। वो उतना ही काम करते हैं जितना रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में उनके काउंटर पार्ट्स करते हैं, लेकिन उनको लगभग 1/4 हिस्सा वेतन दिया जा रहा है। ये सरासर गलत है।